मेरे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको अमल बताने जा रही हूँ, बहुत नायाब है और बहुत आजमूदा अमल है। एक बात याद रखें, अमल करने से पहले आप पांचों वक्त का नमाजी होना लाजिम है। नमाज हमेशा कायम करते रहें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपकी नमाज पढ़ी जाए। कैसी भी हाजत हो, कोई भी हाजत रवाई हो, रिज़्क़ की कमी हो, परेशानी हो, दुख तकलीफ हो, कोई ऐसा मसला हो, तो आपने ये अमल करना है, तो इंशाल्लाह तमाम मसले आपके हल हो जाएंगे। ज़ोहर, मगरिब, इशा के फर्ज पढ़ने के बाद सजदे में जाकर अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा और या ज़ुलजलाल वल इकराम या ज़ुलजलाल वल इकराम पढ़ें, और पढ़कर जो भी दुआ मांगेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वो दुआ पूरी होगी। ये अमल मैंने आपको इसलिए बताया कि ये मैं खुद भी करती हूँ, आप भी किया करें। जाहिर है मैं भी इंसान हूँ, मैं भी, मुझे भी अल्लाह पाक के नायाब अमलों की जरूरत पड़ जाती है, तो आप भी जरूर किया करें। अल्लाह पाक से बुलंद कोई ऐसी हस्ती, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको रिस्क की दौलत अता फरमाए।